दोस्तों स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर जो टेंथ के लिए निकल के आ रही है वो ये है कि टेंथ का जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है। आप लोगों को उसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या सुधार होगा नहीं होगा, डमी कार्ड रिलीज कर दिया गया बोर्ड के द्वारा, तो इस वीडियो में हम यही सब मामले में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस अभी निकल के आ रही है, यूट्यूब पे भी आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, हमारे चैनल के द्वारा वीडियो ला जा रही है, तो सबसे पहले आप इसको करना है, इस वीडियो को लाइक और कर देना है शेयर अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह रिलीज किया गया है, आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए छात्र छात्रा के डमी पंजीयन अनुमति कार्ड मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति के वेबसाइट पर जारी करने एवं त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल खुले रहने के संबंध में आवश्यक सूचना निकाला गया है। कब तक आप अपने नाम को, अपने पिताजी के नाम को जो मतलब है उसमें अगर गलती है तो उसे आप कैसे सुधार सकते हो, कैसे देख सकते हो कि मैंने जो भरा है अपने बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या वो सभी में नाम वगैरह जो है मेरा वो सही है कि नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेरा सही है कि नहीं। अगर एक बार ये सब चीज गलती रह जाती है, रिजल्ट आपका निकल जाता है, तो आप जब दोबारा आप जब जाओगे उसको त्रुटि को सुधार करवाने तो आपका बोर्ड का चक्कर काटना पड़ सकता है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए पहले से ये सूचना दे दी गई। आप वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एतद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान संबंधित छात्र छात्रा उनके अभिभावक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया था। आगामी वार्षिक परीक्षा 2021 सत्र 2020 से 2021 मतलब टेंथ का ये है। ठीक है, अपडेट देख लें, 2020 से 2021 मतलब अगर आप 2021 में टेंथ का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सूचना आपके लिए आई। जानते हैं, मैं सम्मिलित हेतु संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए पंजीयन अनुमति आवेदन एवं जमा किए गए शुल्क के आधार पर छात्र छात्राओं का डमी पंजीयन अनुमति कार्ड समिति के वेबसाइट नोट कर लें, वेबसाइट को आप www.biharboardonline.com पर दिनांक 22/6/2020 से 30/6/2020 तक अपलोड रहेगा। जी हाँ, ये इंटर के लिए भी लागू होता है, आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं। और 22/6 से 30/6 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि मैंने जो सूचना भरी है वो सूचना सही है कि नहीं, अगर सूचना गलत है तो उसे कैसे सुधार करना है ये हम जानते हैं आगे की वीडियो में। वर्तमान में यह पाया जा रहा है कि कथित विद्यालय प्रधान द्वारा कुछेक छात्र छात्रा का ऑनलाइन पंजीयन अनुमति आवेदन तो भरा गया है परंतु पंजीयन अनुमति शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है, तो आपको यह सुनिश्चित करवाना है कि मेरा शुल्क जमा है कि नहीं है। ऐसे छात्र छात्राओं का डमी पंजीयन अनुमति कार्ड ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, परंतु ऐसे संबंधित विद्यालय के प्रधान दिनांक 22/6/2020 से 30/6/2020 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से बकाया पंजीयन अनुमति शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। जी हाँ, आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन का जो है सो प्रोसेस अभी तक नहीं करवाया है अपने प्रधान अध्यापक के पास, आपने अभी तक वहां जाके रजिस्ट्रेशन का फी नहीं दिया है तो आप अभी फी दे के भर दो। ठीक है, क्योंकि 22/6/2020 से 30/6/2020 तक जो है सो रजिस्ट्रेशन कार्ड वहां से आप अपलोड करके मतलब आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके प्रधान अध्यापक ने आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो मतलब प्रोसेस है वो किया है कि नहीं किया है। आपको जाके उनसे कलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, देखना है कि सब चीज सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है और सूचना में। संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि समिति के उक्त वेबसाइट से डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यालय के सभी पंजीकृत अनुमति प्राप्त छात्र छात्राओं को अविलंब प्राप्त करवा दें। जी हाँ, बोला गया है कि प्रधान अध्यापक को कि आप जो है सो रजिस्ट्रेशन कार्ड आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, उसमें अपना हस्ताक्षर मोहर विद्यालय का सब चीज देके तब छात्र छात्राओं को आप उसे सुपुर्द कर दो, जिससे कि वो देख के और जो एरर है जो गलतियां हैं उन्हें वो सुधार करवा सकें। साथ ही छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से यह निर्देश दिए गए हैं कि डमी पंजीयन अनुमति कार्ड को वो भली भांति अवलोकन कर लें, मतलब उसे आप रीचेक करें 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कैरियर का सवाल है दोस्तों,
यह सुनिश्चित हो लें कि उसमें अब किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है। यदि किसी छात्र छात्रा का डमी पंजीयन अनुमति कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता के नाम का स्पेलिंग, जन्म तिथि, जाति, कोटि, लिंग, फोटो, विषय आदि की त्रुटि हो तो संबंधित छात्र छात्रा डमी पंजीयन अनुमति कार्ड में संशोधन कर हस्ताक्षर के साथ संबंधित त्रुटि सुधार हेतु दिनांक 2/7/2020 तक अनिवार्य रूप से अपने विद्यालय प्रधान को हस्तगत कर दें। मतलब 2/7 तक आपको चेक कर लेना है और उसको सुनिश्चित करवा देना है। मतलब 2/7 तक आपको अपने जो आपके प्रधानाध्यापक हैं उनको सुपुर्द कर देना है, अपना जो आपका और कोई एरर आया है तो उसे लेके उसका सही देके तब अपने प्रधानाध्यापक को आपको ये सूचित करवा देना है कि हाँ मैंने जो ये भरा है ये पूरा तरह से सही है, ठीक है, जिससे कि वो उसे जल्दी से जल्दी अपलोड करवा सकें। आपको क्या क्या चेक करना है, आपको अपना नाम, माता पिता के नाम का स्पेलिंग, जन्म तिथि, जाति, कोटि, लिंग, फोटो, विषय, एड्रेस, बहुत चीज़ होता है जो आपको चेक करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है सो आपने एग्ज़ाम सब चीज़ बिना देखे आपने कर दिया, जब आप गए वहाँ एग्ज़ाम देने तो गलती से आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके नाम के आगे कॉमर्स लिखा हुआ है, अब आप कॉमर्स का एग्ज़ाम दें, तो इस तरह का चीज़ ना हो, ठीक है। ये मैं ट्वेल्थ वाले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, टेंथ में कोई सब्जेक्ट खास करके होता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता है कहने का मतलब कि कुछ ऑप्शन पेपर होते हैं, ये साइंस कॉमर्स टेंथ में नहीं विभाजित होता है, वो ट्वेल्थ में होता है, ठीक है, इलेवेंथ में आपको विभाजित होकर दिया जाता है। तो आपको चेक कर लेना है कि जो मेरे द्वारा जो भरा गया सूचना है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, सब चीज़ आपको एक बार देख लेना है दोस्तों, एक बार, दो बार, चार बार, आपको जितना बार इसको देख सकें आपको देख के सुनिश्चित कर लें और तब आप उसे जो है सो प्रधानाध्यापक को भेजें। आगे बढ़ते हैं। संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय के संगत अभिलेखों से त्रुटि का मिलान कर, मतलब पहले जो उनके पास ये प्रधानाध्यापक के लिए गया गया है, कर दिनांक 7/7/2020 तक अनिवार्य रूप से त्रुटि का ऑनलाइन सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक भी सुधार किया गया डमी पंजीयन अनुमति कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा डमी पंजीयन अनुमति कार्ड में किया गया त्रुटि का सुधार विद्यालय प्रधान द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। ये सिर्फ आपको अपने प्रधानाध्यापक पर नहीं छोड़ देना है, हो सकता है उनके दिमाग से निकल जाए ये चीज़, क्योंकि इंसान है, गलती होना स्वाभाविक है, तो आपको भी इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जो त्रुटि सुधार के लिए दिया गया था क्या वो सुधार किया गया है कि नहीं किया गया। नहीं किया गया तो आप उसे सुधार करवा लें, उसे जमा करवा दें 7/7 तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है, ठीक है, आप इस चीज से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक बार उसमें गलती हो गया ना तो आपके लाइफ का सवाल है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ शेयर कर दो इस वीडियो को आप। उक्त निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार के पश्चात छात्र छात्राओं का अंतिम पंजीयन अनुमति कार्ड समिति के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सभी छात्र छात्रा का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन उसी के आधार पर भरा जाएगा, ठीक है। एक फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, उसके बाद आपका जो आवेदन है उसी पे भरा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड उसी पे आएगा, ठीक है। जारी किए गए डमी पंजीयन अनुमति कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, देखिए इसको बोल्ड करके लिखा गया है, इसीलिए संबंधित छात्र छात्रा अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान अपना व्यक्तिगत विशेष ध्यान देकर निर्धारित समय तक ऑनलाइन त्रुटि का सुधार कराना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन त्रुटि सुधार का उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रधान के साथ साथ संबंधित छात्र छात्रा उनके अभिभावक को भी होगी, ठीक है। अगर आपने बाद में जाके बोला कि सर मैंने तो दिया था, ठीक है, मेरा नाम गलती है, ये है, और आपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया ही नहीं और आपका ऐसे ही चला गया, तो उस वक्त में आपको प्रधानाध्यापक क्या बोलेंगे, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम तो आया ही नहीं मेरे पास। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, जिससे कि अगर उनको भी अगर ऐसा कोई परेशानी हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी आपको कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, स्कूल बंद है, तो उस केस में क्या होगा ना, आपको उस केस में क्या होगा ना कि मतलब बच्चों को जो है सो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए आप इसे शेयर कर दो और आप अपने दोस्तों में जरूर से सब्सक्राइब करो।